बस्तर पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा विधानसभा चुनाव। आईजी ने की अतिरिक्त फोर्स की मांग। छत्तीसगढ़ जगदलपुर से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। नहीं, चुनाव के लिए अभी पिछले 3-4 महीनों से ही तैयारियां चल रही हैं और हमने जो भी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ है उसका हमने चिन्हित कर लिया है। उसके अनुसार उसका मैपिंग करके किस प्रकार से कहाँ पे एरिया डोमिनेशन, किस प्रकार से कहाँ का फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना है, इसकी हमने तैयारी कर ली है। और साथ ही साथ चुनाव के समय जो प्रिवेंटिव सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई होती है, माइनर एक्ट्स के अंतर्गत कार्रवाई होती है, इसके अतिरिक्त जो वारंट्स या समन्स हमारे पास पेंडिंग है उसकी तामीली के लिए हम विशेष अभियान चला रहे हैं। और साथ ही साथ चूँकि बस्तर रेंज जो कि अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र काफ़ी पोरस बॉर्डर है, तो चुनाव के समय लिकर का स्मगलिंग होने की भी बहुत अधिक संभावना है। तो उसको रोकने के लिए भी हम बॉर्डरिंग स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से बॉर्डर को सील किया जाएगा उसके लिए हम आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली पिछले चुनाव में भी अतिरिक्त बल मिला है और इस बार भी अतिरिक्त बल मिलने की संभावना है। और इसके लिए हमने पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपना जो फोर्स का रिक्वायरमेंट है उसका प्रोजेक्शन दिया है। और साथ ही साथ बस्तर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो नक्सली समस्या है और लगातार वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, उसमें किस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न किया जाए, किस प्रकार डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोका जाए, उसके लिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने चुनाव बायकॉट का एक पर्चा भी जारी किया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम व्यापक तैयारी कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि पिछले चुनाव में 2013 में जो घटनाएं हुई थी या पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2014 में जो घटनाएं हुई थी, इस बार चुनाव में उस प्रकार की घटना नहीं हुई। इसके लिए हम पुख्ता व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो और बिना कोई घटना के ये संपन्न हो जाए।